हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम मैनेजमेंट ऑडिट जो कि ऑडिटिंग का चैप्टर 15 वो पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। हमने नीड्स पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, ठीक है, स्टेप्स पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है एक मैनेजमेंट ऑडिट का। जैसा कि हमने अपने स्टेप्स में बार बार पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव से मिलाते हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव्स होते क्या क्या हैं एक मैनेजमेंट ऑडिट के, ठीक है। इंश्योरिंग द साउंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाई द मैनेजमेंट, ठीक है। एक क्या करना, एक बिजनेस के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। टू रिवील एनी इरेगुलरिटी और डिफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर कोई तरीके की लापरवाही हो रही है या प्रोसेस में कोई गलती हो रही है, इरेगुलर कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में क्या करना, सजेशन देना और उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही सजेशन देना। टू इंश्योर दैट द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ठीक है। ये देखना कि जो मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो सारे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इन सबको देखना, चेक करना। टू हेल्प वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, हर लेवल के मैनेजमेंट को हेल्प करना ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सके। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उनको क्या करना, मदद करना, बताना, समझाना, ठीक है। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट, एक अच्छे मैनेजमेंट को जो मैनेजमेंट चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन पहले से, उनको ये बताना, उनको ये समझाना, उनको ये असिस्ट करना ताकि वो क्या कर सके, सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, ठीक है। अचीविंग द इफिशियंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, उनका ये भी काम है कि जो मैनेजमेंट चल रहा है उसमें इफिशियंसी लाएँ, ठीक है। टू असिस्ट मैनेजमेंट इन स्टेबलाइजिंग गुड रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज एंड टू एलेबरेट ड्यूटीज़, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, मैनेजमेंट को ये बताना कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के साथ क्या करें, अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखें, उनके ड्यूटीज़ को देखें, बढ़ाएँ, उनके राइट्स को बढ़ाएँ, उनकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएँ, ताकि क्या हो, काम अच्छे से हो सके। टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इनपुट्स विद आउटपुट्स, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना कि उन्होंने कितना इनपुट डाला था और हिसाब से कितना आउटपुट आया है, ठीक है। इंश्योरिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर्स, ये भी देखना कि जो एक मैनेजमेंट, एक जो बिजनेस है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे आउटसाइडर्स से कैसा रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, और उस रिलेशनशिप को अच्छा बनाना। टू रिकमेंड चेंजेस इन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उसके लिए रिकमेंड करना ताकि क्या हो, पॉलिसीज़ में चेंजेस आ सके और फ्यूचर के लिए क्या हो सके, वो बेटर हो सके, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आए हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको ये जानना होगा कि मैं किस किस सब्जेक्ट पर वीडियोज़ बनाती हूँ या आपको इसके प्लेलिस्ट चाहिए होंगे, तो आप मेरा आई बटन ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इसकी या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा।